वीकली से मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके समक्ष में अपने क्लिनिक से ठीक हुए पेशेंट जितने भी हुए हैं उनका फीडबैक आपके समक्ष रखूंगा। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, आलोक जी बोल रहे हैं? जी सर। जी मैं वीकली से डॉक्टर भूपेंद्र बोल रहा हूँ। आपका यहाँ पे इरेक्शन प्रॉब्लम, ईडी की प्रॉब्लम थी, आपके लिंग में ढीलापन रहता था, टाइमिंग इश्यू भी था आपका, मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं आता था और सेक्स करने के टाइम आपको इरेक्शन नहीं आता था। तो अभी आप कैसे हैं, आपको कितना परसेंट आराम मिला इन सब चीजों में? 50% समथिंग है, इरेक्शन अभी भी है, कभी आता है कभी नहीं आता है। लेकिन इरेक्शन में आपको 50% से ऊपर आराम मिल चुका है ना? जी। और उसके बाद आपका जो मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं आता था उसमें कुछ आराम मिला आपको? नहीं, मॉर्निंग में तो इरेक्शन रहता है, जब सेक्स करने के टाइम आया तब इरेक्शन कभी आया फिर चले गया। जी ऐसे चल रहा था। तो आलो जी परेशान मत होइए, धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हैं, है ना? आप दवा नियमित लेते रहेंगे, आपको आराम बहुत मिलेगा। और फिलहाल बाकी जी सर इसीलिए दवा रेगुलर चला रहे हैं, दवा में बिल्कुल 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 दवा आप रेगुलर चलाइए, दवा में कोई कोताही मत करिएगा। और प्लस ये कि आपकी टाइमिंग संबंधित दिक्कत थी, उसमें कुछ आराम मिला आपको टाइमिंग से लेके? टाइमिंग वैसे ही है सर, टाइमिंग वैसे ही रहेगी। बाकी इरेक्शन में और आपको उसमें आराम मिला है, आपको जो भी इरेक्शन और मॉर्निंग इरेक्शन दो चीज में ना बस? जी 50% आराम मिला आपको। जी सर ठीक। और जो ढीलापन रहता था उसमें? ढीला रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आप दवा लेते रहिएगा, आपको आराम मिलेगा, है ना? ओके सर। ओके आलोक जी, ध्यान रखिएगा। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।